यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, गर्मा गर्मी भी हुई और थोड़े से अपशब्द भी निकले सभी के नहीं, मैंने देखिए किसी को अपशब्द नहीं बोला पहली बात तो, और अगर जाने अनजाने में बोल दिया तो मैं तो माफी मांग लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपशब्द अपशब्द नहीं बोलने चाहिए किसी को भी, लेकिन इस तरह की असभ्यता भी नहीं फैलानी चाहिए डिबेट में। दूसरे श्रोता बोल रहे हैं अपने अपने पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कोई नहीं भी है प्रवक्ता तो राजनीतिक विश्लेषक हैं बड़े, लेकिन धनंजय भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनको आज भी बड़े भाई की तरफ से मानता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैंने उनकी बात बड़े धैर्य से सुनी थी बैठकर, सारे पॉइंट नोट किए जो मैंने, चलिए ठीक है छोड़िए, लेकिन उन्होंने बोलने नहीं दिया। खैर छोड़िए उस बात। अब देखिए एक दो बातें जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, इन्होंने झूठा आक्षेप लगाया कि राहुल जी और प्रियंका जी, आप बाइट निकलवा लीजिएगा अपनी अबुल साहब, इन्होंने बोला कि वो देश छोड़ के भाग गए हैं। आप दिखाइए ना कौन सा टिकट है आपके पास देश छोड़ के भाग गए हैं। तो ये झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले तो बंद करें। दूसरी बात इन्होंने बोली या इनके प्रधानमंत्री साहब ने बोली कि 1947 से लेकर आज तक हमने बांटने का काम किया। अरे हम तो वो लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, देश में सौहार्द की बात कर रहे हैं, देश में प्रेम की बात कर रहे हैं, आप ही देश के सौहार्द को खत्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, 1947 में जब हमने देश को आजादी में देश की आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया, उसके बाद 500 से ज्यादा रियासतें थी अबुल साहब, आपको भी पता होगा, आपके इतिहास के छात्र रहे होंगे, 500 से ज्यादा, 550 से ज्यादा रियासतें थी, उनको एक सूत्र में पिरोने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के नेतृत्व में, और जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब उस समय प्रधानमंत्री थे, तो एक सूत्र में पिरोने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और उसको एक रखने का काम भी कांग्रेस पार्टी की बात कांग्रेस पार्टी क्यों उठा रही है? जाति की बात, मैं जाति की बात कह रहा हूँ। देखिए देश में ये तो आप देखिए 2021 में जनगणना होनी थी देश में, 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, हर 10 साल में जनगणना होती है देश में। श्रीलंका जिसकी आर्थिक स्थिति हमसे बहुत ज्यादा खराब है, उसने अब जाके भी अपनी जनगणना करवा ली। हमारे देश में 2021 की जनगणना छोड़ दीजिए, मान लीजिए कोरोना काल था, 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, 2024 लगभग निकल गया, 50 चुनाव हमने लड़ लिए, हमारे दोस्त सब किसी भी पार्टी ने सब 50 चुनाव लड़ लिए, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई है हमारे देश में। क्यों नहीं हुई है? और हम तो कहते हैं जातिगत जनगणना करवाइए। जो देश का दबा हुआ कुचला हुआ बिल्कुल निचला वर्ग है, हमें पता तो होना चाहिए देश के संसाधन किसको देने हैं, किस कितने देने हैं, उसको कैसे उत्थान उसका करना है, तो ये तो होना चाहिए ना। इसमें कोई गलत डिमांड तो नहीं करी हमने। चलिए भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ ये है कि ये देश को सिर्फ एक रंग के चश्मे से देखना चाहते हैं, जो कि हम देश में नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती रहेगी। जिसको आप बांटना कहते हैं धनंजय जी, जिसको आप कहते हैं बांटना, लोकसभा में चलिए इनको कम करने का काम किया है, 2029 में हम इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए जी चलिए ठीक है, अब धनंजय जी आप इस बात का जवाब दीजिए, लेकिन इनको माफी, एक ठीक है अबुल साहब इनको माफी मांगनी चाहिए, इन्होंने हमारे नेता के खिलाफ ही बोला वो देश छोड़ के भाग गए। अरे घाटी में 47 में से 28 सीटों पे आप छोड़ के भाग गए, आपने पलायन किया, तीन घाटी की सीटों पे आपने सबका जवाब दे, सबका जवाब, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम भाग गए, वो सबका जवाब देंगे, आप उनको बोलने दीजिए सर, आपने बोल दी अपनी बारी, अब बोलना। अबुल जी जी, अबुल जी देखिए मैं यूजुअली ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब कोई ये कहे कि आरोप लगाते हैं निकर उठा के, आप कहीं आरोप लगाए भाग गए, लेकिन आप किसी चीज को ले आना ये असम, ये लोकतंत्र में ये हमारे लिए गर्व की बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। अरे भारत माता के लिए क्या, और भागते हैं आप सर, फिर उस निक्कर पे ले आए सारी बहस, आप निक्कर पे ले आते हैं, आपकी निक्कर उठा के आप लोग भागते हैं। चलिए छोड़िए, हम बात कर रहे हैं जो है वो आप लोग, अरे सर प्रधानमंत्री का जो शेप लगाते हैं, चलिए अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ईशान जी, अब सुन लीजिए, सब सुनने का मादा रखिए, ठीक है। चलिए अबुल जी, अगर आपके पास शब्द नहीं होगा तो आप गाली देंगे, ये आपकी संस्कृति का भाषा क्या है, हमारी संस्कृति का परिचय है। अब राहुल गांधी ने राहुल गांधी जी ने कोर्ट में आपने चार बार लिखित माफीनामा दिया, जवाहर बोलने का काम किया था अभी आपने, अब बोलने दीजिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, ये बोलने दीजिए, तो थोड़ा शर्म रखिए, जवाहर बोलने दीजिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में आप इस तरह बोलेंगे भाई, इसमें क्या दिक्कत है, उनको बहुत लोग कहते हैं, सम्मान है ये, केवल जवाहर बोल का नाम लेना सम्मान की बात होती है, आप इतने आप मोदी कहते हैं तो उसमें क्या बुरा है, आप मोदी कहते हैं तो हम जवाहर कह दिए तो क्या बुरा है, हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, हम नहीं बोलते आदरणीय प्रधानमंत्री, हम क्या कह दिया, उनका दिया हो क्या बात है, उनकी उम्र का भी नहीं बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, नहीं राहुल गांधी ने तो ऐसा कहा था मोदी भाग जाएगा, मोदी सामने नहीं आएगा वो डर जाएगा,
अबुल जी अब एक बार जवाब चलिए ठीक है। अरे अबुल जी अब एक बार जवाब पहले के बयान निकालने लग जाऊंगा। ईशान जी मुद्दे की बात भटक रही है। मैंने सीधा सीधा सवाल धनंजय जी से पूछा, उसका जवाब उनको देने दीजिए सर। आपकी बात का भी सवाल पूछे थे। अरे सर आप चलिए पहले इनकी बात करो ठीक है। पहले 80-20 किसने बोला था? चलिए पहले इनकी बात का जवाब चलिए ठीक है। अब बोलने दीजिए, अब ठीक है उत्तर तो सुनिए सर, उत्तर तो सुनिए शांति के साथ। बिंदु बार जवाब दे देता हूं अबुल जी। जी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, हमारी 64 थी, 8-8 64, हमारे पास 80% सीटें थी। चलिए ठीक है, हम उस समय 64 सीटें जीते थे। लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ है? आप उसे आप इस सृष्टि में आपकी दृष्टि जहाँ है, विवेकानंद से स्वामी विवेकानंद से कहा था उनके गुरु परमहंस ने कि गिद्ध अगर आसमान में उड़ती है तुम क्या समझते हो आसमान में देखती हो, वो तो कहीं गंदे मांस के टुकड़े पर देख रही होती है। लेकिन उसी तरह से अगर आपके विचार ही कुत्सित है, वो कांग्रेसियों के यूजुअली है जैसे, तो क्या करेंगे आप ऐसे ही बात करेंगे? कई तंदूर कांड करने वाले लोग और कैसी बातें कर सकते हैं? इनसे बहुत सभ्यता की उम्मीद हम करते भी नहीं। और मर्द की जनता भी नहीं। दूसरी बात जो बिंदुवार की बात ले ली, जो भाई साहब बात कर रहे थे, मैंने बहुत ध्यान से आपको सुना था भाई साहब, मैं बहुत ध्यान से सुना था आपको। आप गलत बात है, आप सुनने का मादा रखिए, आप सुनने का मादा रखिए। दूसरी बात एक भाई साहब कह रहे थे भाई, इस देश में पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने भी तो केस किया था। नहीं और मैं क्या जातीय जनगणना की सीधी मेरा आपसे सवाल जातीय जनगणना को लेकर था कि जातीय जनगणना जब जब कांग्रेस मुद्दा उठाती है तो आपको देश बटा हुआ क्यों नजर आता है? इसकी जवाब मैं दे देता हूँ जी। इसका पंडित ने जातीय जनगणना बंद किसने कराई थी? पंडित नेहरू ने बंद कराई थी। तो आप शुरू किसने कराई थी? सुनिए तो पूरी बात को तो सुन लीजिए सर। पंडित नेहरू ने बंद कराई थी, शुरू किसने किया था? विलियम बैटन पर जो अंग्रेज सरकार का सेक्रेटरी था उसने शुरू कराई, पंडित नेहरू ने बंद कराई। उसके बाद कका कालेलकर की रिपोर्ट आई, ठंडे बस्ते में चली गई। कका कालेलकर की रिपोर्ट किसने लागू की? उसके बाद बीपी मंडल की रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी ने उसको फ्रिज में डाल दिया। और राहुल राजीव गांधी का सबसे लंबा 1 घंटा 40 मिनट का जो संसद में भाषण है वो आरक्षण के खिलाफ है। और अभी राहुल गांधी ने जाकर विदेश की धरती से कहा, जिसके लिए माफी मांगा अभी, कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। 370 बयान कोट कीजिए, पूरा बयान कोट करिए। चलिए दूसरी बात, मनमोहन सिंह साहब का गलत बयान कोट किया, दूसरी बात राहुल गांधी जी का गलत बयान। मैंने टोका था बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूँ दूसरी बात अबुल जी, ठीक है अबुल जी, 370 के कारण 75 साल तक जम्मू कश्मीर में दलितों को, बाल्मीकियों को, बकरवाल को, गुजरवाल को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला। कहां थी कांग्रेस? एएमयू में रिजर्वेशन खत्म हुआ एससी एसटी का, कहां थी कांग्रेस? जामिया मिलिया में खत्म हुआ एससी एसटी का रिजर्वेशन, कहां थी कांग्रेस? कांग्रेस कहां थी? इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है तब जाकर के। आप दूसरी बात, आपने तो कराई थी जातीय जनगणना, क्यों नहीं उसको लागू किया? इस कर्नाटक में आपने कराई थी, इसके सरकार के पहले आपकी सरकार थी तब कराई थी, अब दोबारा आप सरकार में आ गए, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? जब आपकी मनसा सिर्फ हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद है, इनकी बिल्कुल कोशिश नहीं है कि सूरत बदलनी चाहिए, क्योंकि इनकी सूरत को बखूरत देश की जनता ने पहचान लिया है। और उसका नतीजा आप देश की जनता को छोड़िए ना, हमारे विपक्ष को, हम इनके विपक्ष में, हमारी बात छोड़िए। अब इनके साथ वाले शिवसेना ने क्या पाठ पढ़ाया, सपा ने आज लिस्टी जारी कर दी, कांग्रेस को खारिज कर दिया, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आईना दिखाया। इनकी हालत आप देखिए, जातीय जनगणना पर जवाब, जब ये जातीय जनगणना पर जवाब हो चुका है, जब ये हो चुका है कि अगला जो जो पार्लियामेंट का जो ये हो सेंटेंस होने जा रहा है, नया परिसीमन होने जा रहा है, उसके पहले जनगणना होगी। और जब गृह मंत्री ने कह दिया कि हाँ जातीय जनगणना होगी, तो मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता का उसके बाद कहने का क्या बन जाता है? इस देश के हर जाति को, हर वर्ग को, हर पंथ को, हर मजहब को, हर संप्रदाय को अगर सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के वैश्विक नेतृत्व में आज नेशन नई ऊंचाइयां छू रहा है। और कांग्रेस अब ईशान जी को बोलने नीचे जा रही है। ईशान जी शब्दों की भाषा में ठीक है, एक तरह से ये कह रहे हैं, मैं 5 मिनट में आपको वैश्विक नेतृत्व में देश बेरोजगार, 1 मिनट आ रहा हूं भुवन जी, आ रहा हूं जवाब दे दीजिएगा, 1 मिनट आ रहा हूं मुझे, मैं आ रहा हूं आपके पास भुवन जी, कालेलकर की रिपोर्ट, मंडल की रिपोर्ट, अब छोड़िए सब रिपोर्टों का जवाब। चलिए ठीक है शांत रहिए, अब धनंजय जी शांत रहिए, भुवन जी भी हैं, और ईशान जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं भुवन जी के पास जाऊंगा और दो वक्ता और मेरे साथ। अबुल साहब देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खुद ही बोल दिया कि जातिगत जनगणना होगी,
इसकी लड़ाई किसने लड़ी? आदरणीय राहुल गांधी जी ने लड़ी और हमारे साथियों ने लड़ी इंडिया गठबंधन के। अभी देखिए इन लोग का काम सिर्फ यही है, झूठ बोलना और उसके बाद भाग जाना। इन्होंने दोबारा से दो तीन झूठ बोले, इन्होंने दोबारा से, जिसपे आपने भी टोका है, उन्होंने सीधी सीधी बात की। देखिए देखिए मैं लगातार ये ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, भूल गए हैं मेरा सवाल। मोहन भागवत साहब ने, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब ने ही आरक्षण पे चर्चा होनी चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ये किसने बोला था? ठीक है, मोहन भागवत साहब ने बोला था कि नहीं बोला था? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिलवा दीजिए, ये बात अभी नहीं बता। ठीक है, वो बिहार चुनाव थे उसमें, अभी तो अभी तो आ चुका है मोदी जी का। अरे मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व में ही आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, देश के वैश्विक नेतृत्व में, मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व में ही देश में एफडीआई गिरता जा रहा है। आप ये बताइए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आज क्या हालत है, कितनी ग्रोथ परसेंटेज पे है? आज 24% का वादा हुआ था, 14% पे आगे लटका हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो देखिए मूर्ख बनाना देश को, देश की जनता को बंद कीजिए। जिस तरह से जनता को मूर्ख बनाने का बात मैं बोल रहा हूं अबुल जी, नहीं नहीं, मूर्ख जनता इस देश की बनाना बंद नहीं है, मैंने ये बोला देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए, मूर्ख बना रहे हैं जनता को, जनता इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, इस देश की इसका जवाब जनता दे देगी। देश की जनता मूर्ख नहीं है, जनता ने आपको जवाब दिया है, जनता जवाब दे रही है, खूबी लोकसभा के चुनाव में आपको जवाब दिया गया है। ठीक है ठीक है, भुवन जी, भुवन जी को बोलने हैं, बोलने के लिए हम लोग को भी बोलने का मौका दिया। मैं आ गया आपके पास जी, बताइए। देखिए मैं अभी जो भूल रहा था, जिसमें मैंने सभी साथियों को ध्यान से सुना था, लेकिन जब मैं बोलने लगा इनको दिक्कत हो गई। और अभी तो ताजा ताजा हुआ है गिरिजी की पार्टी का, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो अभी अभी पूर्व हुए हैं, वो कहाँ रंग रैलियां मनाते हुए रशियंस के साथ मिले, पूरे देश ने देखा है। ब्रजभूषण सिंह का मैंने आपको बताया, और माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी सेफ नहीं है, उसमें रेप करते घूम रहे हैं इनके 3 ABBP के छात्र, इनके सोशल मीडिया के छात्र, वो भी तो घूम रहे हैं ना रेप करते हुए। और ये सैगर किसकी पार्टी से, पूरा खानदान खत्म कर दिया। चलिए हमारा मुद्दा ये नहीं है भुवन जी, हमारा मुद्दा ये है कि जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से विपक्ष पूरा एकजुट है। ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाइए धनंजय जी, एक मिनट रुक जाइए। जातीय जनगणना को लेकर मेरा सवाल था धनंजय जी, एक मिनट धनंजय जी, आपकी बात ठीक है ठीक है। जातीय जनगणना आपकी बात बिल्कुल पसंद है, फिर भी मैं आपको सुनता हूँ। भुवन जी जातीय जनगणना को लेकर, सामाजिक न्याय और जाति जनगणना, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। जाति जनगणना को की जो लड़ाई थी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश का आंदोलन माननीय अखिलेश यादव जी ने बना दिया है, और हम सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई और पीडीए की लड़ाई को लेकर इस उपचुनाव में जनता के। लेकिन हरियाणा में क्यों फेल हो गया? देखिए हमने निवेदन करा था, हम तो चाहते थे, वो तो कांग्रेस का फैसला था, हमने कहा कि ध्रुवीकरण उनमें जो बंटवारा नहीं होना चाहिए, जो कांग्रेस जो भाजपा विरोधी लहर है उसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए। हमने तो वहां पर कांग्रेस को कहा कि आप ही लड़ लीजिए, परिणाम नहीं आया तो कांग्रेस को चिंतन करना है भाई। वहां पर बड़े भाई की भूमिका में हरियाणा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस थी, तो उन्होंने फैसला करा, उत्तर प्रदेश में बड़े भाई हम है, तो फैसला उत्तर प्रदेश का तो माननीय अखिलेश यादव जी को करना है। ठीक है, हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट हमारे सामने है। पोखरना जी, आपको लगता है कि जातीय जनगणना वाले मुद्दे पर एक बार फिर शायद विपक्ष को पूरे इस पर मंथन करना पड़ेगा कि ये आगे देश में चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए हरियाणा के चुनाव से एक चीज पता चल गई कि जातीय जनगणना वाला जो गुब्बारा था वो फट गया। लेकिन जैसा कि गृह मंत्री ने कहा, मोहन भागवत जी ने कहा, जिसको ईशान ने भी दोहराया, तो जातीय जनगणना एज एन अफर्मेटिव एक्शन एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, वो राजनीति का हथियार नहीं कि उसको लेके पत्रकार को पूछेंगे कि अबुल तुम्हारी क्या राय, तुम्हारी क्या चाहते है, मिस इंडिया कोई दलित क्यों नहीं है, तो ये हम कहां जा रहे हैं? मतलब ये तो चश्मा मैं खरीदूंगा तो चश्मा बनाने वाला तो हिंदू है, मुस्लिम है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है। जातीय जनगणना देश में होगी और मुझे लगता है कि जब ये सेंसस होगा उसके साथ ही होगी। लेकिन जैसे बिहार में एनडीए सरकार ने करवाई थी तो अफर्मेटिव एक्शन सरकार करेगी, वो पब्लिक डोमेन में बाहर घुमाने के लिए तो नहीं है। और शायद इसीलिए कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने भी जो जनगणना कराई उसको पब्लिक नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उसको लेके राजनीति करके लोगों को बांटना, समाज को बांटना समझदारी की राजनीति नहीं है, और इससे कांग्रेस कहीं नहीं जाएगी, देश का विभाजन। केके शर्मा जी ठीक है, कंक्लूड कीजिए। देखिए मैंने अभी एक जो कांग्रेस पर जो मोदी जी का जो मोदी जी का प्रहार था उसमें उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों को निकल जाती है,
मुझे इस पे थोड़ा सा इस पे ये बताना है कि जहां तक मैं जब से 2014 से देख रहा हूँ या उससे पहले देख रहा हूँ, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे वो कहीं भी पार्टियां, आपने पंजाब में देखा होगा अकाली दल हो चाहे शिवसेना हो, बीजेपी जहां जहां चुनाव में जिस छोटी पार्टियों से साथ मिलकर लड़ी है उसको खुद खा गई है, डायन की तरह खा गई है। शब्द डायन शब्द बोलना है क्योंकि भाई गांव में ना बच्चे को हम लोग काला टीका लगाते थे, क्यों लगाते थे कि कहीं डायन खा ना जाए, तो मैंने खाते में देखा या जहां ना निकल पाई खा ना पाई वहां पे, जहां नहीं खा पाई वहां पे बाली, आपने देखा हो रामायण में बाली, बाली के सामने जो आ जाए उसकी आधी शक्ति ले लेते थे। तो वही मैंने देखा कि जिस तरह से भाई भाइयों को लड़ा देना, एनसीपी को तोड़ देना, जिस तरह से आपने शरद शिवसेना को तोड़ देना, रामविलास पासवान की चाचा भतीजे में लड़ा देना, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी तोड़ देना, खत्म कर देना, ये जिस तरह से मैंने देखा नीतीश कुमार कमजोर हो गया, पीडीपी कमजोर हो गई है, जेजेपी खत्म हो गई, जेजेपी खत्म हो गई। ठीक है सर, समय की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।